बिहार में पिछले तीन दिन से छिड़े सियासी ड्रामे का आज शक्ति प्रदर्शन है। अब से कुछ ही देर बाद बिहार विधानसभा में एनडीए संग नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है। नीतीश को सरकार बचाए रखने के लिए विश्वास मत के मैजिक आंकड़े को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी है। आइए पहले हम आपको बिहार विधानसभा की स्थिति के बारे में बताते हैं। 243 सीटों वाली विधानसभा में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 71 सीटें जेडीयू के पास, 53 सीट बीजेपी के खाते में और 27 सीट कांग्रेस के पास हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और एलजेपी के पास भी दो दो सीट हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की एक सीट और 3 विधायक निर्दलीय हैं। सीपीआई के पास भी 3 सीट हैं। नीतीश को सरकार बचाए रखने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। नीतीश कुमार की गणित जेडीयू के 71 विधायक, बीजेपी के 53 विधायक और कुछ अन्य विधायकों को मिलाकर बहुमत से 7 अधिक हैं। आरजेडी के पास भी कांग्रेस और सीपीआई को मिलाकर 110 विधायक हैं, जो बहुमत से 12 विधायक दूर हैं। जेडीयू में बगावत की संभावनाओं को देखते हुए अगर लालू प्रसाद यादव उनके 10 से 12 विधायक तोड़ने में सफल होते हैं तो नीतीश के लिए राह कठिन हो सकती है।